हेलो, वेलकम टू द चैनल आचार्य जी ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नो, आज हम लोग दशम के भैया बहन सूरदास के इस तीसरे पद का पठन पाठन करेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। और इस पद को पढ़ने के पूर्व इसमें जो कुछ कठिन शब्द है उनका अर्थ हम लोग जान लें। हारिल, हारिल जो शब्द है यह एक प्रकार का पक्षी होता। हारिल उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है, उस पक्षी की, हारिल पक्षी की। वह जब भी आकाश में उड़ता तो अपने पंजे में लकड़ी का, तिनके का एक छोटा सा टुकड़ा दबाए रखता है। यह उस पक्षी की खास विशेषता है, हारिल पक्षी की। क्रम, कविता में शब्द दिया है क्रम। हालांकि खड़ी बोली में क्रम का दूसरा मतलब होता है, लेकिन यहां पर ब्रज में क्रम शब्द जो लिखा इसका खड़ी बोली में मतलब हुआ कर्म। कर्म, क्रम, हम लोग हिंदी में दोनों में बहुत भिन्नता पाते हैं, लेकिन यहां पर क्रम से मतलब है कर्म, कोई कार्य जो करते हैं वो कार्य। नंद, नंदन, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण। उर, उर का मतलब होता है हृदय। दिवस, दिन हुआ। निशी, निशा बोलते हैं, तालव्य स उसमें होता है। यह निशी शब्द लिखा है यानी रात। दिवस, निशी, दिन, रात। करुई, कड़वा, कड़वा जो तीता लगे खाने में, करुई। तिनही का मतलब उनको, तिनही। जक, री, अलग अलग लिखा हुआ है। जक, री मतलब रटती रहती है। कविता पढ़ेंगे तो फिर अर्थ और स्पष्ट होगा, रटती रहती है। सु से मतलब है यहां पर वह, हिंदी में जो लिखते हैं वह, यहां शब्द प्रयोग में लाए हैं सु। करी का मतलब भोगा, अपने जीवन में भोग किया वो करी। तो अब हम लोग पद पर ध्यान दें। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियों ने उद्धव से कहा, हमारे हरी, हरी यानी भगवान, भगवान से मतलब यहां भगवान कृष्ण। तो हमारे जो हरी है, भगवान कृष्ण है, वह हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी के विषय में कहा जाता कि वह जब उड़ता है तो अपने पंजे में कोई लकड़ी का टुकड़ा, तिनके का टुकड़ा दबाए रखता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि उसके मन में एक भ्रम है, हालांकि किसी ने पूछा नहीं होगा यह भी तय है, लेकिन लोगों में ऐसी धारणा है कि वह समझता है, वह पक्षी ऐसा मानता है कि अगर इस तिनके को हमने छोड़ दिया, लकड़ी को छोड़ दिया, तो हम आकाश से जमीन पर गिर जाएंगे। तो इसलिए अपने सहारे के रूप में वह हमेशा उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को भी पंजे में दबाए रखता है। गोपियों ने कहा कि हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, भगवान हैं, वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो स्वाभाविक तौर पर खुद को हारिल पक्षी के समान बताया। जितना उपयोगी उस पक्षी के लिए वह लकड़ी है, जिस तरह का विश्वास उस लकड़ी पर हारिल पक्षी को है, गोपियों ने कहा कि उतना ही विश्वास हमें अपने हरि पर, अपने भगवान पर, भगवान कृष्ण पर है। यानी वह कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन, क्रम, वचन, क्रम यानी कर्म, पहले ही बता दिया। मन, क्रम, वचन, नंद, नंदन, उर का कि हम लोग मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन को, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठाए रखते हैं। भगवान कृष्ण को हम लोगों ने अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, मन से, कर्म से और वचन से भी। और यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करी, दृढ़ता पूर्वक, पूरी मजबूती के साथ
कहा कि हमारे हृदय से उनको कोई निकाल नहीं सकता। हम लोगों ने अपने हृदय में उसे पूरी दृढ़ता के साथ पकड़ रखी है, पूरी मजबूती के साथ उनको अपने हृदय में बिठा रखा है। किनको? भगवान कृष्ण को। गोपियों ने कहा, उद्धव से कहा, तो कहा कि हम लोग मन, कर्म और वचन से भगवान कृष्ण को भी को ही दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बिठा रखा है, उससे उन मेरे हृदय से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जागत, सोबत, स्वप्न, दिवस, निसी, सबका अलग अलग मतलब समझिए। जागत, जागते हुए, सोबत, सोते हुए, स्वप्न, स्वप्न में या स्वप्न देखते हुए, दिवस, निसी, दिन, रात, कान्ह, कान्ह जकरी, जकरी का मतलब बताया रटती रहती है, कान्ह कान्ह कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का नाम ही हम लोग रटते रहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय भगवान कृष्ण के नाम का ही जप हम लोग करते रहते हैं। जागत, सोबत, स्वप्न, दिवस, निसी, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। कहा कि और आपने जो ये योग का संदेश हम लोगों को सुनाना शुरू किया, ये तो सुनते ही ऐसा लगा मानो किसी ने मुख में करुई ककड़ी, ककड़ी खीरे की तरह का एक फल होता, तो कहा कि वो करुई ककड़ी, तीखे ककड़ी को किसी ने मुंह में डाल दिया, वो ऐसा ही लगा आपका योग संदेश। मतलब गोपियों ने अपने प्रेम मार्ग को योग मार्ग की तुलना में, ज्ञान मार्ग की तुलना में श्रेष्ठ बताया। कहा कि आपका जो यह योग मार्ग है, ज्ञान की बातें जो आप हमें बताने आए हैं, यह तो सुनने में वैसे ही लगी मानो किसी को करुई ककड़ी खिला दिया गया हो। सुनत योग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, सुतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। कहा कि आप तो एक ऐसी व्याधि लेकर के आए, एक ऐसा रोग लेकर के आए हम लोगों के लिए, जिसके बारे में न आज तक कभी सुना न देखा न करी न उसको कभी भोगा। एक ऐसी व्याधि है, आपका यह योग संदेश हम लोगों की दृष्टि में, गोपियों ने कहा हम लोगों की दृष्टि में एक ऐसी व्याधि है, रोग है, जिसके बारे में न कभी सुना था, देख सुनी न करी, न कभी देखा न सुना और न ही कभी उसे भोगा। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। योग के द्वारा कहा जाता है कि हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। गोपियों ने कहा कि हम सबका मन तो पहले से ही भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्र हो चुका है, इसलिए हमें योग का संदेश नहीं चाहिए। यह तो सूरदास जी कहते हैं, यह तो सूर तिनही ले सौंपो, तिनही मतलब उनको, आप यह योग संदेश उनको ले जाकर के सौंप दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूम रहा है, मन एकाग्र नहीं है। हमारा तो मन एकाग्र है, हमें योग संदेश नहीं चाहिए। हमारा मन तो पहले ही भगवान के चरणों में एकाग्र हो चुका है, इसलिए मुझे योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। योग उनके लिए है जिनका मन चक्र के समान घूम रहा है। तो इस पद में भी हम लोगों ने देखा कि गोपियों ने अपने तर्क के द्वारा, अपने वाक चातुर्य के द्वारा उद्धव को परास्त कर दिया, उद्धव निरुत्तर हो गए। ये गोपियों की वाक चातुर्य की एक खास विशेषता हम लोगों ने यहां पर देखी। उनके तर्क स्वाभाविक रूप से बड़े अच्छे जान पड़े इस पद को पढ़ने के बाद। यहां पर हरि हारिल, सबसे पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो हरि हारिल में स्पष्ट है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। एक जगह और कान्ह कान्ह, हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार किया जाए, दोनों में अर्थ एक ही रहे, तो
तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां भी कान्ह कान्ह शब्द का एक ही मतलब है और इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप शब्दार्थ अवश्य याद करें, ये मैं बार बार बताता हूं। इसके साथ साथ जो भी पद आप पढ़ते हैं, जिन पदों का भावार्थ आप इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, एक दो बार चार बार सुनने के बाद कोशिश करें कि पुस्तक से आप कविता देखते हुए आप उसका भावार्थ अपने शब्द में लिख जाएं, अपनी फेयर कॉपी में इसका भावार्थ जरूर लिख जाएं, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ के भीतर से ही प्रश्न निकाले जाते हैं और इसी तरह से भावार्थ से ही वो प्रश्न जुड़े हुए होते हैं, इसलिए भी आपके लिए आवश्यक है कि आप इनका भावार्थ अपने शब्द में जरूर लिखते रहें। धन्यवाद।